अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जिसकी प्रॉमिस के मुताबिक जो है ये व्लॉग मैंने थोड़ा सा अर्ली रेडी किया है। ये सबसे मुश्किल था सो फार, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे फ़ोन से इकट्ठी करनी पड़ी थी। इट टुक मी सो लॉन्ग, लेकिन मैंने आई पुट इट टुगेदर। जहाँ से लास्ट व्लॉग क्लोज किया था वहीं से मैंने इसको शुरू किया है। जब रिजर्व हुआ था ये वाला प्लॉट जिसके अंदर हम चल रहे हैं, दैट वॉज फॉर अस। सो इसका जो बैक साइड है वो खुली थी। उसने हमें देखने के लिए इसलिए भेजा था कि उसने बोला था कि इसका जो बैक गार्डन है वो बाकियों की तरह रेक्टेंगुलर और स्ट्रेट नहीं है, स्क्वायर नहीं है, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा है। इसकी वजह से लोग इसको प्रेफर नहीं करते हैं। सो इसकी प्राइस भी जो है 5,000 pounds उन्होंने कम की हुई थी। आई मीन अगर हमें थोड़ा सा छोटा भी दे देते और 10,000 pounds भी कम कर देते वो स्टिल एक्सेप्टेड, एज लॉन्ग एज देर इज अ बैक गार्डन और थोड़ी बहुत स्टोरी है, दैट्स ऑल वी वांटेड। ये मेन काम था घर से रिलेटेड जो सबने खत्म किया था, पेपर वर्क खत्म हुए थे। उसके बाद उन्होंने उस आदमी से जिसने फ्लैट खरीदा एक मीटिंग की थी, एक दूसरे को जनाब ब्रश अप नहीं करना, हम लोग बातचीत करके फ्लैट खाली करेंगे, और सब खामों से फारी होके जनाब यहाँ पर असर जो है रिलैक्स करने के लिए हमने भाई के पास डेनमार्क चले गए थे। आई डोंट नो व्हाई आई एडिट दिस फुटेज, बट आई फाउंड इट टू फनी बिकॉज ही वेंट टू द डेनमार्क, ही वांट टू स्पेंड हिज टाइम विद हिज ब्रदर बिकॉज ही वाज नॉट फीलिंग वेल ऑन दोज डोज डेज। और असद को ये थोड़ा सा चेंज भी चाहिए था। यहाँ पर मैं उनको फ़ोन करके बता चुकी थी कि असद उस बंदे ने अपने मॉर्गेज वगैरह अप्रूव करवा लिया है और उसने 11 दिन का हमें टाइम दिया है। वी हैव टू एम्प्टी द फ्लैट, वी हैव टू मूव आउट समवेयर, सारा साजो सामान लेके जस्ट सिटिंग ऑन अ स्विंग थिंकिंग so hard and there he is back to reality। उनके वापस आने से पहले मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें हिलानी शुरू कर दी थी, आई स्टार्टेड पैकिंग दैम। जब वो आए हैं फिर हम लोगों ने चीज़ें पैकअप करना शुरू की थी। इस वक्त तक हम लोगों को कुछ पता नहीं था कि हम लोग किधर जा रहे हैं। लोकल ही जो लोग पाकिस्तानी हम लोग इधर रहते थे जिनके अपने घर हैं उनसे हमने बात की थी। हमें प्रॉब्लम ये थी कि किसी लंबे छोटे कॉन्ट्रैक्ट या छोटे से छोटे कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ना नहीं चाह रहे थे हम, क्योंकि आगे वाले घर की चाबी जो है वो 1-1.5 महीने में या ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने लगने थे उसमें मिल जानी थी। छोटे से छोटा कॉन्ट्रैक्ट जो होता है अगर आप किसी स्टेट एजेंट के थ्रू लेते हो या वैसे वेबसाइट के ऊपर जाके चेक करते तो वो 6 महीने का था, और 6 महीने वाला असल लेना नहीं जा रहे थे। पहले हमने लंदन में देखना शुरू किया, मैंने लोगों से बात किया, लेकिन उन्हीं दिनों जिस टाउन के अंदर जब प्लॉट रिजर्व हुआ था वहाँ पर मैंने स्कूल में बच्चों के नाम जो हैं वो दाखिला करवाने के लिए उनको ईमेल्स की थी। उसका इतनी जल्दी तो मुझे जॉब नहीं आया था, लेकिन जब फ्लैट बिका है और जिन दिनों हम घर की सर्च वगैरह कर रहे थे किसी जगह पे रहने की, उन दिनों मुझे उनकी ईमेल आई थी कि बच्चे हॉलीडेज़ के बाद स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं और उन्हें डेफिनेटली ज्वाइन करना है वरना वो सीट हम किसी और को दे देंगे। तो फिर हमने आपस में ये डिसाइड किया कि बजाय लंदन में घर कुछ कोई जगह तलाश करने के हम सेंट न्यूस में जाके वहाँ पर कोई जगह तलाश कर लेते हैं, वहाँ पर ही रहना शुरू कर देते हैं ताकि फिर जो नेक्स्ट घर में मूव होगी वो ज़रा जल्दी हो जाएंगे, हम लोग हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो वही decided to get a storage, we put our furniture and main जो बड़ा बड़ा सामान था सारा हम लोगों ने shift करने का decide किया है। इन दिनों जनाब बहुत चक्कर काटे हैं सबने back and forth, इनके साथ इनके कुछ friends भी थे जो यहाँ लंदन में हमारे साथ रहते थे। एक तो भाई उन्होंने बड़ी help करवाई थी सामान move करवाने में, हमारे close ही रहते हैं, उन लोगों ने असद के साथ मिलकर सारा सामान वगैरह जो है मूव करवाया था। या हम फर्नीचर डिसम्बल वगैरह कर रहे थे, बच्चों का जो बंक बेड था वो बच्चों ने तोड़ दिया हुआ था, टॉप बंक स्पेशली मूसा का था, और उसने छलांगे लगा कि ना इसकी ग्रिल बिल्कुल टूट गई हुई थी, तो हम इसको डिस्पोज ऑफ करके गए थे। इसको चूंकि अंदर ला के संभल किया था तो डिसम्बल करके बाहर निकालना था। ये मैट्रेसेस मुझे चाहिए थे वो मैंने रख लिए थे, उसके बाद असद ने बड़ा जो बेड है उसे डिसम्बल किया, और ये सारी जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ये वहाँ पर उसी टाउन में स्टोरेज लेके वहाँ पर हमने डाल दी थी कि बाकी जो 2-4 दिन बचेंगे वो हम मैट्रेसेस यूज़ करेंगे। ये थोड़ी सी स्टोरेज की फुटेज है जहाँ पर जो असद मुझे बना के भेजी थी, वैन ही वाज़ शोइंग मी कि कौन सा उन्होंने स्टोरेज लिया है। छोटा जो साइज़ का स्टोरेज यहाँ पे मिलता है उसका 60 pounds पर मंथ चार्जेस थे, और जो बड़ा यूनिट लिया था जिसमें हमने कबर्ड वगैरह और बेड वगैरह डिसम्बल करके रखे थे, और मैंने जो बच्चों की कबर्ड सी रखी थी कुछ थोड़ा बहुत फर्नीचर था वो साइज़ में बड़ा था तो उसका 100 pounds पर मंथ था। यहाँ पर हमने कुछ दिन लगा के जनाब सारा जो सामान है वो मूव कर दिया था। उसके बाद जो हमारे पास सामान था वो हमने उसी जगह पे लेके जाना था जहाँ पर हम टेम्परेरी तौर पे
रेंट पे रहना चाह रहे थे। इस टाउन के अंदर एक दो स्टेट एजेंट थे जिनसे मैंने बात की थी, तो वो हमें बच्चों के साथ 3 बेडरूम का घर से कम पे आमादा नहीं हो रहे थे, और उस घर के जो रेंट और बिल्स वगैरह मिला के 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे अच्छा खासा खर्चा हो रहा था। सो वो कुडंट रियली डिसाइड एट द टाइम सेम अमाउंट वी कैन पे इन एयरबीएनबी, लेकिन उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं था, वो आप किसी वक्त भी छोड़ सकते हो। मुझे टीचर ने नोट लिख दिया बच्चों को जो है ना आज लास्ट टाइम स्कूल था, ना छोड़ दो कोई बात नहीं, हनीम व्हाट डिड यू जस्ट डन, चीखें इतनी लाउड हो गई थी कि मैंने आवाज़ बंद कर दी है, बट दिस इज़ अ ग्लिम्प्स ऑफ व्हाट आई वेंट थ्रू थ्रू आउट द पैकिंग। ये बच्चों की जिस स्कूल का लास्ट डे था, कुछ हफ्सा अपने गिफ्ट्स खोल के दिखा रही थी जो उसके फ्रेंड्स ने दिए थे, और ये इस तरह को उसकी क्लास ने कार्ड सा बना के दिया था जिसमें हर बच्चे ने थोड़ा थोड़ा उसके अंदर लिखा था, कुछ टीचर्स ने लिखा हुआ था, इट वॉज अ वे ऑफ सैड मोमेंट्स। सेपरेशन के जो मोमेंट्स होते हैं वो हार्ड ही होते हैं, मदरसे से वापसी पर भी ये बड़ा रोई थी, लेकिन ये कि बच्चे सेटल हो गए हैं, दैट्स व्हाट आई एम हैप्पी अबाउट। ये जी साथ साथ पैकिंग करनी होती है, और जो छोटा बच्चा है वो साथ साथ अनपैक करता रहता है। ये दिन दिन में मैं किचन का थोड़ा काम खत्म करने की कोशिश करती थी, बट विद हर इट वॉज इट्स जस्ट सो हार्ड। जब से इसको पाँव लगे हैं शी ऑलवेज ट्राई टू स्केप, शी ऑलवेज अप टू समथिंग। बड़े बच्चों में से एक मैंने कॉन्स्टेंटली ड्यूटी पे लगाया होता है जो इसको देख रहा होता है या इसको खिला रहा होता है। बच्चा खुद से अपने आप को एंटरटेन नहीं करता, ये बिजली के स्विचों में उंगलियाँ देती है, ये घर के दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करती है। सो इसके साथ जो है ना थिंग्स जस्ट गॉन मोर हार्ड। बेस्ट पार्ट था इसका ये कि मैंने इस दौरान काफ़ी वेट लूज़ किया था, विच नॉर्मली आई डोंट दैट ईजिली। ये जी हमारी नेबर्स की बच्ची है, जो जिस दिन से हम पैकिंग कर रहे हैं उस दिन से रोज़ बेड में जाने से पहले रोया करती है, इसकी माँ ने मुझे बताया था, विच वॉज रियली सैड। ओवन जो है वो मैंने साफ़ करना था, ओवन के अलावा मैंने डिश वॉशर जो है वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया था, लेकिन ओवन को मैंने बहुत यूज़ किया हुआ था, स्टिल इट वॉजन्ट डैमेज, इट वॉजन्ट ब्रोकन, लेकिन जस्ट नीड अ गुड क्लीन। ओवन क्लीनर जो मैंने ख़रीदा था उसके साथ एक पैकेट मिलता है, पैकेट के अंदर आपने मतलब बड़ा सा बैग था, सील बैग, उसके अंदर आपने सारे ट्रेस डाल के लिक्विड डाल के उसको ओवरनाइट छोड़ देना है। उसी लिक्विड को मैंने स्कॉच ब्राइट के ऊपर लगा के सारे ओवन के ऊपर जो है उसको अच्छी तरह कवर किया था, और मैंने उसको भी ओवरनाइट छोड़ दिया था। इसके बाद सिर्फ वाइप मैंने क्लीन किया था, इट वॉज लुकिंग ब्रांड न्यू। आई विश के मैं वो थोड़ा बिफोर एंड आफ्टर दिखा सकती, बट इस बच्चे के साथ नथिंग रियली पॉसिबल। सो दिट वॉज द प्रोग्रेस सो फार, वी वर गेटिंग देयर। किचन वॉज ऑलमोस्ट डन, ये काउंटर के ऊपर सामान जो था अंदर से सारे कबर्ड में हाली कर चुकी हुई थी, पैकअप कर चुकी थी, बहुत सारी चीज़ें मैंने डिस्पोज ऑफ कर दी थी। ये 2 बैग्स मेरे साथ जाने वाले थे, और बाकी जो कमरे हैं वो भी हम इस दिन जो है ऑलमोस्ट खाली कर चुके थे। दैट वाज द डे वी वर एक्चुअली लीविंग। तो बच्चों के बैग्स भी हैं जो मैंने अलग से बना के रखे हुए थे, और ये मैट्रेसेस जो हैं ये साथ ही जाने थे। अच्छा जी, जाने का प्रोग्राम कुछ इस तरीके से था कि उस बंदे ने 3:30 बजे हमसे चाबी ले लेनी थी, और असल में मुझे बोला था कि जितना काम तुमसे ख़त्म होगा तुम करके तो निकल जाना सामान लेके। मुझे ट्रेन पे जाना था, ये यहाँ से मैंने सेंट पैंक्रियास स्टेशन जाना था पहले, वहाँ से मैंने ट्रेन लेके सेंट न्यूट से उतरना था, और आगे से मुझे कोई पता नहीं था कि मैंने कहाँ जाना है। सो मेरे जहन में ये प्लान बी था कि मैंने अपने तायाजाद कज़न मेरे यहाँ रहते हैं उनसे मैंने बात की थी कि आप मुझे छोड़ाओगे एक दिन के लिए बच्चों के साथ, क्योंकि मैं पिछले पूरे वीक में पैकिंग कर करके मेंटली फिजिकली इतनी टायर्ड हो गई थी कि मैं बच्चों को लेके निकलना नहीं चाह रही थी। आई मीन इफ़ आई एम फाइन आई एम नॉट रियली स्केर्ड, मैंने ये काम बहुत बार किया है, मैं कर लेती हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पर टायर्ड हो गई थी, और ये मुझे बड़ा रिस्की सा लग रहा था। आई वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि मुझे इन सबको लेके पहले बस और फिर ट्रेन लेनी चाहिए, और इस जगह पर ऐसी किसी जगह पर उतरना चाहिए जिसका आगे से मुझे पता नहीं है। वो मैप शैप देखने के चक्करों में बच्चे आपको अपनी शक्ल नहीं देखने देते, तो मैप उन्होंने मुझे क्या देखने देना। बहरहाल उनसे मेरी बात हो गई थी, मेरे कज़न हैं वो मुझे 6 बजे पिक करने वाले थे यहाँ से, और उसके बाद प्लान सारा चेंज हो गया था। वो बंदा लेट हो गया हुआ था, उसने जॉब ख़त्म करके 7:30 से 8 बजे आने वाला था वो। तो मैंने ऐसा किया कि मैंने बच्चों का खाना पकड़ा बैक एग्जाम से, क्योंकि मुझे पता था कि नए एरिया में जाके मैं एकदम से खरीद खरीदने वाले चक्करों में नहीं पड़ सकती। मैंने बच्चों का खाना पकड़ाया, दूध पकड़ाया, 3-4 जो छोटे बच्चे मैंने लिए हैं, और बड़े वाले जो है वो मैंने इसरा को मैंने सबके साथ ही छोड़ दिया था। एंड आई जस्ट पिक अप माय थिंग्स आई लेफ्ट। लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैं पहले ही कर चुकी थी, बहुत सारा काम मैंने सबसे नहीं छोड़ा था, क्योंकि वो भी पिछले 5-6 दिनों से वही कर रहे थे जो मैं कर रही थी। सो आई फिनिश्ड इट ऑल। इस टाइम पे बस फाइनल चेक किया मैंने चीज़ों को, बच्चों को रेडी किया, एंड आई जस्ट लेफ्ट विद हिम।
ये दो पार्सल थे आपके दैट्स इट। जी मैंने डाल के वापस ये रखा है, ये है चार वाला और ये पांच वाला। तकरीबन 8:30 के करीब मैं बच्चों को लेके यहाँ पे पहुंच गई थी और उसके 1-1.5 घंटे बाद तब भी पहुंच गए थे। 10 दिन की मुसलसल मेहनत के बाद वी मेड इट ऑन टाइम अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों के साथ हर दिन ही बिजी होता है मेरा, लेकिन यह है कि जो वो जो मेंटली स्ट्रेसफुल था ना काम, उससे मेरी जान छूट गई थी। बड़ी आइडियल सी जगह पे ये एयरबीएनबी भी था, इसके पास ही लिटिल था, हर चीज़ मुझे वहाँ से मिल रही थी। स्कूल भी बच्चों का पास ही था, यहीं से मैंने बच्चों का तकरीबन कुछ दिनों में उनके यूनिफॉर्म वगैरह अरेंज किया एंड दे स्टार्ट गोइंग टू स्कूल। एंड असद के काम से भी ये करीब था। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको ये एयरबीएनबी पूरा दिखाऊंगी। हम यहाँ पर तकरीबन 3 वीक्स रहे थे और उसके बाद हम एक और एयरबीएनबी में मूव हो गए थे। अब अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।